हाय फ्रेंड, दिस साइड अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल। एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड लॉकडाउन मैंने एक ट्रिप प्लान किया है जिसमें मैं जाने वाला हूँ दिल्ली से कसौल। तो इस ट्रिप के लिए मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया अपनी यूट्यूब अर्निंग से। तो मैं क्या क्या चीज़ें ली है, क्या क्या चीज़ें मुझे यूज़ आने वाली है। मैंने कुछ सामान ट्रैकिंग के लिए मंगवाया है, कुछ सामान व्लॉगिंग के लिए मंगवाया है। तो ये है 5 दिन का मेरा ट्रिप जिसमें मैं खूब मज़ा करने वाला हूँ। रुको, जरा सब्र करो। तो ये बात है मेरे ट्रिप से एक दिन पहले की, 30 सितंबर 2020। तो मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा फीवर सा हो रहा है, थोड़ी थकावट से हो रही है। मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 97.4 था। मैंने एक घंटे बाद फिर चेक किया तो 98.4 था। मैंने कहा यार टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर 98.6 हो गया। मुझे लगा बस 100 ना पहुँच जाए वरना फीवर हो सकता है मेरे को। अब रही बात कोविड टेस्ट की, तो मैं अगले दिन नियर बाय डिस्पेंसरी में चला गया क्योंकि मुझे रैपिड टेस्ट करवाना था, क्योंकि मेरी रात को ट्रिप थी। मुझे लग रहा था वायरल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर वायरल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है। अगर बाय चांस कोविड होता है तो ट्रिप तो कैंसिल है ही है, और ऊपर 14 दिन अलग रहना पड़ेगा वो अलग। तो मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा शेयर आप लोगों के साथ कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस है कोविड में। तो मैं गया, मैंने वहाँ की शूट करी डिस्पेंसरी की वीडियो, और मैं पहले आधार कार्ड दिखाया, उनको नंबर बताया, उन्होंने नंबर लगा दिया, बोल दिया लाइन में लग जाओ। ठीक है, मैं वन बाय वन जाने लग गया। तो मैंने दूर से देखा, आपको ये डिस्पेंसरी अंदर से दिख रही है, और ये जो आपको अंकल दिख रहे हैं ये मेरे से आगे खड़े थे। अब मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था, वो अंकल वेट कर रहे थे कब उनकी नाक में वो छोटी तिल्ली डाले। ओ भाई, मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, आग बंद करके करवा लूँगा और ऐसे वीडियो शूट कर लूँगा। जैसे कि ये मेरा फ़ोन है, इसको मैं ऐसे पकड़ के शूट कर लूँगा। टाइम बीतता गया, इतना कॉन्फिडेंस लेकर गया था कि कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता था पॉजिटिव आने वाला हूँ मैं, पर जब अंकल की नाक में डाला और अंकल मेरे सामने से रोते हुए गए आँख में इतना पानी, मैंने सोच लिया था या तो वीडियो बनेगी या तो टेस्ट होगा। तो मैंने फ़ोन रखा जेब में, मैं गया धीरे धीरे उधर। उन्होंने बोला आगे आओ, मैं आगे गया। उन्होंने बोला मुंह ऊपर करो, मैंने मुंह भी ऊपर कर लिया। बोले पीछे मत जाना, मैं कहा ठीक है। एक तो मैं खड़ा हुआ था, खड़े होकर टेस्ट कर रहे थे वो विंडो में से हाथ निकाल के। तो मैं ऐसे हुआ, इस नाक में डाला, ऐसे ऐसे किया, निकाल लिया। मुझे लगा यार वाह, कुछ पता ही नहीं चला। जब इस नाक में डाला ना, उन्होंने पुश किया, वो ना यहाँ अटक गया तो ना गया नहीं अंदर। तो उन्होंने थोड़ी उंगलबाजी सी करी और जब डाल के ऐसे ऐसे किया ना, ऐसा लग रहा कि आँख से बाहर निकल के आ जाएगा। भाई मेरी आँख से आंसू नहीं रुके, इतने आंसू मैंने फटाफट हैंकी लगा के ऐसे करके रखा 10 मिनट। मैंने कहा भाई कुछ हो गया, मतलब इतना कुछ दिक्कत की बात नहीं थी, पर हाँ सीरियसली जब होता है ना ऐसा लगता है पता नहीं क्या चला गया यार अंदर। फिर वही 5-10 मिनट मैं रुका, विंडो में से आवाज़ आई अभिषेक अभिषेक अभिषेक। मैं गया, मैंने कहा हाँ बोलो, क्या आप हो अभिषेक? मैंने कहा हाँ, तो आपकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। ये जो टाइम था कि उसने बोला आपकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, ऐसे लोग देख रहे मेरे को जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ, मतलब ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के। अब मैंने बोला मुझे तो पता ही है मैं पॉजिटिव आने वाला हूँ। ठीक है, अब उसने बताया कि आपको 14 दिन होम आइसोलेशन के लिए रहना है, आपको आपके घर में कितने मेंबर हैं, किसी को तो नहीं है, ये वो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ली उन्होंने। तो बस मैंने कहा ठीक है, ऐसे ऐसे मुझे पता है क्या करना है, मेरा भाई डॉक्टर है, उसने मेरे को बता दिया है। ठीक है, मैं घर पे आया, मैं अपने रूम में रहा। कि सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात मेरे को ये लगी, एक तो टेस्ट की कि नाक में डाल के दोबारा होने वाला है क्योंकि 14 दिन बाद दोबारा करवाना है, और दूसरा ये मुझे अपने कपड़े खुद धोने पड़ रहे हैं। और मैंने अपने ट्रिप की इतनी सारी पैकिंग करी थी, पैकिंग करके बैग ऊपर लाया वीडियो शूट करने के लिए, अब वही कपड़े मैं बदल बदल के पहन रहा हूँ। मतलब इतना बुरा लग रहा है कि यार जो बैग पैक किया था मैं उसी में से निकाल निकाल के पहने जा रहा हूँ। तो टेस्ट करवाने के बाद मेरे पास कल एक कॉल आई कि आपका एक यहाँ पे टेस्ट हुआ है, अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप एक दवाइए। मैंने एक दवाया, फ़ोन कट हो गया। मतलब ये कन्फर्मेशन कॉल थी कि आपके घर पर कोई आने वाला है कल। तो आज मेरे पास सुबह कॉल आई कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, आपके घर पे ये आएंगे। मैंने कहा क्यों आएंगे, मुझे पता था क्यों आने वाले हैं। उन्होंने बोला हम आपको ऑक्सीमीटर देंगे और विटामिन सी की गोलियां देंगे। मैंने कहा मेरे पास ऑक्सीमीटर भी है, मैंने पहले ही मंगवा लिया,
और विटामिन सी के मैं खाई रहा हूँ और पीसीएम भी मैं खाई रहा हूँ अगर मुझे फीवर होगा तो ठीक है सर, पर हमें आना पड़ेगा अंडरटेकिंग के लिए, आपके घर पे फॉर्म भरवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है फिर ऑक्सीमीटर भी लेते आना, क्या दिक्कत है। तो अब वो आएंगे मेरे घर पे, ऑक्सीमीटर देके जाएंगे, मेडिसिन देके जाएंगे और कुछ फॉर्म पे सिग्नेचर करवा के जाएंगे मेरी मम्मी के, और मेरे घर के बाहर पोस्टर लगा के चले जाएंगे कि इस घर में कोविड पेशेंट है। देखते हैं, वो आपको मैं वीडियो शूट करके दिखा दूंगा जब वो आएंगे, क्योंकि एक वीडियो मैं पूरी एक डालने वाला हूँ। तो वेट करते हैं उन लोगों का।